पंजाब 2022 की जीत के बाद, जब से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में सरकार बनाई, पूरे देश भर में एक अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई और 135 करोड़ भारतवासियों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी की जगह बनती जा रही है। आज पंजाब की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन, अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी देश के कोने कोने तक पहुंचती नजर आ रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, आज लोग अरविंद केजरीवाल जी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं और 135 करोड़ भारतवासी अपने हृदय में, अपने दिल में अरविंद केजरीवाल जी को बसा रहे हैं। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, मोदी बनाम केजरीवाल। एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बनते जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को फिनिश करो, सिर्फ एक ही मकसद है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी देश के कोने कोने में, करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं, उसके तुरंत बाद सीबीआई जैसी एजेंसियां हम पर छोड़ दी जाती हैं। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी परेशान हुए होंगे, उनका भी मन मचला होगा, परेशान हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, शिक्षा क्रांति की खबर पढ़ के, उसकी तस्वीर देखकर। और इसीलिए शायद सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छोड़ी जा रही। हम जब भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो दो बातें उसमें खास तौर पे आती हैं, आप सब जानते हैं। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ, पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आई जिसके चर्चे देश दुनिया में हैं, बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया
इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कराए गए, 20 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों की तकदीर अरविंद केजरीवाल जी ने बदली, तो शिक्षा मॉडल निखर कर आया। दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ताबड़तोड़ काम किया, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स यानी कि मोहल्ला क्लिनिक से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, गरीब आदमी से लेकर देश के दिल्ली के हर आम आदमी को मुफ्त बढ़िया इलाज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मुहैया कराई और एक हेल्थ स्वास्थ्य का एक गवर्नेंस मॉडल देश के सामने रखा। एक तरफ शिक्षा मॉडल, एक तरफ स्वास्थ्य मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने रखा। और आज केजरीवाल साहब को रोकने के लिए इन लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पर रेड कर दी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही तो दो मॉडल थे जिसकी बात हम करते थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर का मॉडल। और इसी को रोकने के लिए, केजरीवाल मॉडल को खत्म करने के लिए भाजपा ने हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया, जो कई महीनों से जेल में बंद है। और मनीष सिसोदिया जी पर आज रेड कर उन्हें भी जेल में बंद करने की तैयारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के इनके मॉडल को बर्बाद करो, इनके मंत्रियों को गिरफ्तार करो ताकि केजरीवाल मॉडल बर्बाद हो जाए, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि कोई शराब नीति है, शराब नीति में घोटाला हो गया, लिकर पॉलिसी आ गई, बहुत बड़ा करप्शन हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भाजपा से भी और सभी लोगों से, कि गुजरात जो एक ड्राई स्टेट माना जाता है, जहां शराबबंदी है, उस सूबे गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ से भी ज्यादा गैर कानूनी शराब, इलीगल शराब का व्यापार होता है। ये भाजपा के लोग ही चलाते हैं। कभी सीबीआई गुजरात गई? अगर शराब नीति ही मुद्दा था तो सीबीआई को सबसे पहले तो 10,000 करोड़ के इलीगल शराब रैकेट को बस्ट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले गुजरात जाना चाहिए था, लेकिन सीबीआई गुजरात नहीं गई। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी गुजरात में हुई, गुजरात के एक पोर्ट पर हुई। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद में नशीले पदार्थ, जिसमें कोकेन, ओपियम, हीरोइन, न जाने क्या क्या बरामद हुआ, वो गुजरात में पकड़ा गया। सीबीआई कभी वहां गई? अगर नशा मुद्दा था तो सीबीआई को भी वहां जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, कभी सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे आपको नजर आई? प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे, वो सड़क धस गई, टूट गई। साफ भ्रष्टाचार था, ठेकेदार से सेटिंग हुई। कभी सीबीआई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच करने पहुंची? कहीं नजर आई आपको? तो इसका मतलब साफ है, मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा नशा नहीं है और मुद्दा भ्रष्टाचार भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, केजरीवाल। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को खत्म करो। आज से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने देश के 135 करोड़ लोगों को आह्वान दिया कि आप आओ और हम सब मिलकर एक छतरी के नीचे आकर भारत देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, नंबर 1 देश बनाते हैं, आप हमारे साथ आओ। एक बहुत बड़ा आगाज, एक बहुत बड़ी शुरुआत करी। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं, उनके इस आह्वान को रोकना चाहते हैं, उनकी इस मुहिम को रोकना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल जी रुकेंगे नहीं,
केजरीवाल उस लहर का नाम है जिसे आपकी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस की गीदड़ भभकियां रोक नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी तभी चैन की सांस लेंगे जब वे 135 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर भारत देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी रुकेंगे नहीं, केजरीवाल रुकेंगे नहीं, केजरीवाल थमेंगे नहीं। अब हम लोग भारत देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाकर ही सांस लेंगे चैन की। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं और आप लोग नोट करिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता और हम पर हो रहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस और न जाने कौन कौन सी एजेंसियों के एक्शंस का सीधा संबंध है आपस में। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती है अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन बढ़ता है, वैसे वैसे ईडी, सीबीआई की रेडें हम पर, एक्शन हम पर, फर्जी मुकदमे हम पर बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्शन बाय एजेंसीज ऑन अस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आम आदमी पार्टी। इसका सीधा संबंध है और इन लोगों का मकसद सिर्फ एक है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोक, क्योंकि आज दुनिया में अरविंद केजरीवाल मॉडल के चर्चे हो रहे हैं और देश भर में अरविंद केजरीवाल जी 135 करोड़ भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाए जा रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.